सभी को नमः संस्कृताय। बिहार राज्य सरकार की तरफ से बिहार जो प्रांत का अपना स्टेट है उसका जो प्रथम पेपर है अर्थात 8वीं 9वीं और 10वीं वाला, उसकी परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है और उसका जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, तो पाठ्यक्रम आप देखेंगे तो फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का अर्थात 9, 10, 11 और 12, ये जो दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम है ये लगभग समान है। और इस पाठ्यक्रम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से पढ़ी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से पढ़ी हुई नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में इसी पाठ्यक्रम के यूनिट नंबर 14 के अंदर एक ग्रंथ लगाया गया है जिसका नाम है काव्य दीपिका। देखो, काव्य दीपिका वैसे तो बहुत लोगों ने पढ़ाई है, आप YouTube पर भरी पड़ी काव्य दीपिका, लेकिन एक तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, आप देखेंगे बहुत लंबा समय लगा हुआ है, कई वीडियो हैं। तो ये जो काव्य दीपिका जो नोट्स के रूप में बनाई हुई है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको उठा के जो नोट्स इसके हैं अगर आप इसको भी पढ़ लेंगे तो इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं 4-5 प्रश्न जो भी बनेंगे वो आराम से आप कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये शायद आधा घंटे में पूरी हो जाएगी। नोट्स हैं और मुख्य मुख्य बात है, फालतू कोई बात नहीं इसमें, और कोशिश करेंगे हम इसको आधा घंटे में समेटने की। और फिर भी अगर मान लो 10-12 मिनट ऊपर लगते तो कोई ऐसी बात नहीं है। और अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, पहले से पढ़ रखी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रश्नोत्तरी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं काव्य दीपिका को। देखिए, काव्य दीपिका हो सकता है हमारे लिए एक नया ग्रंथ है क्योंकि काव्य प्रकाश पढ़ा है, साहित्य दर्पण पढ़ा है, वक्रोक्ति जीवितम पढ़ा है या अन्य चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन काव्य दीपिका एक नवीन प्रकार का ग्रंथ है। तो इसके रचयिता से लेकर प्रश्न आता कि वे रचयिता कौन है इसके, तो काव्य दीपिका के जो रचयिता है उनका नाम है क्रांति चंद्र भट्टाचार्य। ये पहला प्रश्न यहीं से बनेगा कि काव्य दीपिका के रचयिता हैं कौन, क्रांति चंद्र भट्टाचार्य। दूसरा प्रश्न बनता है कि काव्य दीपिका में कितने शिखा हैं। देखो, यहाँ पर ना अध्याय का विभाजन है, यहाँ पर अध्याय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही यहाँ पर समुल्लास का प्रयोग किया गया है, ना ही उल्लास का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर प्रयोग किया गया है शिखा शब्द का। तो इसके अंदर काव्य दीपिका के अंदर जो है वो 8 शिखाओं का वर्णन है, अर्थात आप यूँ कह लीजिए मोटे तौर पर कि इसमें 8 अध्यायों का विभाजन है। ठीक है, अध्यायों को यहाँ पर किस रूप में कहा गया, शिखा के रूप में, इनको शिखा कहा गया। तो एक एक शिखा में क्या है, तो देखिए प्रथम शिखा के अंदर काव्य निरूपण है, द्वितीय शिखा के अंदर शब्दार्थ निरूपण है, तृतीय शिखा के अंदर काव्य प्रभेद है, चतुर्थ शिखा के अंदर काव्य प्रभेदन है, पंचम शिखा के अंदर दोष विवेचन है और षष्ठ शिखा के अंदर गुण विवेचन है, सप्तम शिखा के अंदर रीति विवेचन है और अष्टम शिखा के अंदर अलंकार है। तो अष्टम से अलंकार याद रखिएगा भाई, आ स्क्वायर कर दीजिए, अर्थात अष्टम से अलंकार, सप्तम से रीति, षष्ठ से गुण, पंचम में दोष, चतुर्थ में काव्य प्रभेदन, तृतीय में काव्य प्रभेद, द्वितीय में शब्दार्थ निरूपण और प्रथम में काव्य निरूपण। देखिए, इससे भी प्रश्न कहीं ना कहीं एक बनने की उम्मीद रहती है कि भाई काव्य प्रभेदन जो है वो किस शिखा में वर्णित है या दोष जो है वो किस शिखा में वर्णित है, वो आपको इसलिए थोड़ा इसको रटना पड़ेगा आपको सामान्य रूप से, एक दो बार इसको देख लेंगे अच्छे से तो आप इससे बनने वाले प्रश्न हैं वो आराम से कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें कुछ टॉपिक दिए हैं भाई, काव्य प्रयोजन दिया है, भेद दिया है, रीति दी है, गुण दिए हैं, तो उनको एक एक करके करते चलेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण, मंगलाचरण बड़ा सामान्य सा मंगलाचरण है और सामान्य से मंगलाचरण में बहुत सारी बातें इन्होंने कह दी हैं। तो देखिए एक बार मंगलाचरण करते हैं। सबसे पहले बोले, मातरम हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्य दीपिका। कहते मातरम द्वितीय विभक्ति के अंदर है, द्वितीय विभक्ति का एक पद है विशदा अंबुज वासिनिम, ये दोनों द्वितीया के अंदर है। अभी मातृ दिवस भी था कल, तो कहते मातरम अर्थात माता को हृदये, अपने हृदय में ध्यात्वा मतलब ध्यान करके या धारण करके। माता कौन है, सरस्वती माता, और सरस्वती माता कैसी है, बोले विशदा अंबुज वासिनिम
अर्थात श्वेत कमल पर वास करने वाली है, निवास करने वाली है। तो श्वेत कमलों पर निवास करने वाली जो माता है, सरस्वती माता है, उसको अपने हृदय में ध्यात्वा ध्यान करके धारण करके काव्य दीपिका क्रियते। तो क्रांतिचंद्र भट्टाचार्य कहते हैं कि मया काव्य दीपिका क्रियते, अर्थात मेरे द्वारा काव्य दीपिका को किया जाता है, कर्मवाचक का रूप है। मया काव्य दीपिका क्रियते, मेरे द्वारा काव्य दीपिका बनाई जाती है, प्रतिपादित की जाती है। उद्देश्य क्या है? बोले बालानाम सुखबोधाय, अर्थात बालकों को आराम से या शांतिपूर्वक या सुखपूर्वक सैद्धांतिक साहित्य का जो सैद्धांतिक ज्ञान है वो प्राप्त हो जाए, इसलिए मेरे द्वारा ये काव्य दीपिका का विवेचन या काव्य दीपिका का प्रतिपादन किया जा रहा है। ठीक है, छंद की बात करें तो अनुष्टुप छंद में बोला गया श्लोक है और ये मंगलाचरण है, और मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। तो ये जो मंगलाचरण है ये कैसा है? नमस्कारात्मक है, अर्थात नमस्कार के विषय में, क्योंकि यहाँ नमा ध्यात्वा शब्द का प्रयोग किया है कि मैं ध्यान करके काव्य दीपिका का प्रतिपादन करता हूँ। तो मंगलाचरण से आपको ये प्रश्न बनेगा, और मंगलाचरण में हो सकता है कोई पंक्ति ऐसी दे दे आपको उठा के कि मातरम किसके लिए आया है, बालानाम सुखबोधाय में सुखबोधाय काट दे, क्रियते काव्य दीपिका में काव्य दीपिका काट दे, जो भी है प्रश्न कितने भी प्रकार से हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसमें जो प्रश्न संभावित हैं वो छंद से हो सकता है, अलंकार से हो सकता है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं जाएंगे। चलिए काव्य प्रयोजन, देखो काव्य प्रयोजन करने से पहले हमें काव्य दीपिका की एक विशिष्टता दिमाग में रखनी है। काव्य दीपिकाकार जो हैं वो विभिन्न आचार्यों के जो प्रयोजन रहे हैं काव्य में या जो स्वरूप रहा है उसी को रखते हैं, इनका अपना कुछ नहीं। इन्होंने थोड़ा इधर से लिया, थोड़ा उधर से लिया, थोड़ा उधर से लिया और सबको मिला के रख लिया और उस पर अपनी एक छोटी सी वृत्ति लिख दी इन्होंने। अर्थात आपको इसके अंदर जो काव्य के गुण मिलेंगे, प्रयोजन मिलेंगे, रीतियाँ मिलेंगी, वो हो सकता अन्य आचार्यों की हों, इन्होंने केवल उस पर व्याख्या की हो। तो देखिए सबसे पहले हम काव्य प्रयोजन की बात कर लेते हैं कि भाई काव्य दीपिका के हिसाब से काव्य प्रयोजन क्या है और कितने काव्य प्रयोजन हैं। तो काव्य प्रयोजन से संबंधित जो इन्होंने श्लोक दिया है वो आचार्य मम्मट का है। ठीक है, आचार्य मम्मट का है। तो पहला प्रश्न यहीं से बनेगा कि काव्य दीपिका में जो प्रयोजन दिया है वो प्रयोजन किस आचार्य के द्वारा गृहित है या किस आचार्य का लिया गया है। तो आचार्य मम्मट का ग्रहण है। ठीक है, तो मम्मट जो हैं वो काव्य के कितने प्रयोजन मानते हैं? 6 प्रयोजन मानते हैं। वो कहते हैं कि काव्य पढ़ने के 6 प्रयोजन हैं और 6 प्रयोजनों को उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से रखा। तो देखिए, बोले काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्याह पर निर्वृत्तये कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। तो इसमें 6 प्रयोजन। ठीक है, अब 6 प्रयोजन में एक एक करके देख लेंगे। बोले काव्यम, काव्य जो पढ़ा जाता है या काव्य का जो प्रतिपादन किया जाता है उसका पहला उद्देश्य होता है यशसे, अर्थात यश के लिए। दूसरा है अर्थकृते, धन के लिए। तीसरा है व्यवहार विदे, अर्थात व्यवहार, व्यवहारिक ज्ञान के लिए। चौथा है शिवेतर क्षतये, शिव मतलब कल्याण, इतर मतलब जो कल्याण से अन्य चीज़ें हैं उनकी क्षति के लिए, अर्थात उनकी समाप्ति के लिए, दुख नाश के लिए। सद्याह पर निवृत्तये, अर्थात जब आप रसास्वादन करते हैं तो रसास्वादन के समय आपको अन्य वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता है, तो ये काव्य के द्वारा ही संभव है। ये पांचवा हो गया। और छठा है कांता सम्मित तया उपदेश, अर्थात कांता की तरह, भार्या की तरह उपदेश देना या उपदेश के द्वारा आप में चीज़ों का ग्रहण कराना, ये भी काव्य का एक प्रयोजन होता है। तो आपको ये 6 प्रयोजन हैं ये मम्मट के हैं, और यही के यही 6 प्रयोजन किसने माने हैं? काव्य दीपिकाकार ने भी यही 6 प्रयोजन माने हैं। तो प्रश्न बनेगा कि काव्य दीपिका के हिसाब से काव्य के कितने प्रयोजन हैं? तो 6 प्रयोजन हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा कि इसमें से कौन सा प्रयोजन नहीं माना गया है। तो आप इस श्लोक को थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको सारे के सारे प्रयोजन विधिवत दिमाग में आ जाएंगे। इसी को हिंदी में लिखा हुआ है कि भाई यश है धन के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, दुख नाश के लिए, रसास्वाद में द्वितीय राहित्य ज्ञान के लिए, कांता के मधुर उपदेश के समान जो है वो काव्य के प्रयोजन। इसमें अगला जो टॉपिक प्रारंभ होता है, देखो काव्य का प्रयोजन जो होगा 6 हो गए, इतना याद रखना, बस इतनी सी बात इसमें करनी है। अगला है काव्य लक्षण। ठीक है, देखो काव्य लक्षण देखने से पहले आपको एक दो बातें इसमें जाननी जरूरी हैं,
आप एक नोट्स बनाइए, उसमें जितने भी काव्य लक्षण हैं जहाँ जहाँ बोले गए हैं, साहित्य दर्पण का, मम्मट का, अग्निपुराण का, दंडी का, जिसका भी है, वक्रोक्ति का है, वामन का, जिस जिसके भी काव्य लक्षण को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार उन काव्य लक्षणों का पूछ लिया जाता है ये किस ग्रंथ का काव्य लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम काव्य लक्षणों की बात करेंगे कि काव्य दीपिकाकार जो है वो काव्य का लक्षण क्या मानते हैं। तो देखिए, बोले कथ्यते काव्यम, अर्थात जो कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। काव्य का मतलब जो कहा जाने वाला, ठीक है। और इन्होंने काव्य के लक्षण में दंडी का काव्य लक्षण लिया है। ठीक है, देखो काव्य प्रयोजन किसके लिए थे, मम्मट के। अब इन्हें मम्मट से अच्छा अगर कोई अच्छा उन्हें कोई काव्य का लक्षण लगा तो लगा मम्मट का। और मम्मट का काव्य लक्षण क्या है, बोले इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये काव्य का लक्षण किसका है, मम्मट का। बोले इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, बोले पदावली अर्थात पदों की जो आवली है, अर्थात जो एक साथ रखना है, वह कैसा है, बोले इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना, इष्ट अर्थ के द्वारा युक्त। भाई इष्ट अर्थ क्या है, जो सहृदयों के हृदय को आनंदित कर दे, ऐसे अर्थों के द्वारा युक्त जो पद समूह है, उस पद समूह को क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। ये किसका लक्षण है, दंडी का। तो दंडी के लक्षण को काव्य दीपिकाकार ने हूवहू रख लिया, ऐसे का ऐसा ही रख लिया पूरा। ठीक है, तो अगर ये पूछ लिया जाए कि काव्य दीपिका के हिसाब से काव्य लक्षण है, तो इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली ये जो लक्षण है, ये काव्य का लक्षण है। किसके हिसाब से, काव्य दीपिका के हिसाब से। और काव्य दीपिकाकार ने ये लक्षण किसका लिया है, तो दंडी का लिया है। ये दो बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हृदय को आप्यायित करने वाले अर्थों से युक्त जो पद समूह है, उस पद समूह को क्या कहा जाता है, काव्य कहा जाता है। ये लक्षण हो गया। इसमें क्योंकि वृत्ति के अंदर दो तीन चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न और बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है इष्टा, तो इष्टा का मतलब क्या है, तो इसको काव्य दीपिकाकार ने खोला, भाई इष्टा मतलब क्या है। अब प्रश्न आ जाएगा, इष्टा बराबर होता है क्या, तो आपको याद रखना, ये पंक्ति याद रखना, अलौकिक चमत्कारित्वेन सहृदय मनोरमा इष्टा, ये इष्टा का लक्षण दिया। अलौकिक चमत्कारित्वेन अर्थात अलौकिक चमत्कार के द्वारा सहृदयों के मन को रमणीय लगने वाली जो चीज़ है वो इष्टा है। ठीक है, जिसमें अलौकिक चमत्कार हो, अलौकिक आनंद हो, और उस अलौकिक आनंद के कारण से सहृदय के मन को चमत्कृत करने वाली जो सहृदय हैं, उनके मन को प्रसन्न करने वाली, आनंदित करने वाली जो चीज़ है, उसको क्या कहा जाता है, इष्टा कहा जाता है। तो इष्टा का लक्षण आप याद रखिएगा, अलौकिक चमत्कारित्वेन सहृदय मनोरमा इष्टा। ठीक है, ये इष्टा से संबंधित है। दूसरा इसमें एक पद आया अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है, बोले अर्थाः तई व्यवच्छिन्ना विलक्षणीकृता, अर्था मतलब बोले तई ही उन अर्थों के द्वारा व्यवच्छिन्न अर्थात आच्छादित, व्यवच्छिन्न मतलब आच्छादित, ऐसे अर्थों से आच्छादित अर्थात युक्त जो पदावली है वो क्या है, काव्य है। तो अर्थाः बोले तई व्यवच्छिन्नाः विलक्षणीकृताः, अर्थात अर्थ जो हैं उन अर्थों के द्वारा विवच्छिन्न अर्थात जो विलक्षणीकृत हैं, ये यहाँ पर अर्थ शब्द का अर्थ है। पदावली, पदावली का अर्थ क्या, बोले पद समूह। ठीक है, पद समूह जो है उसको पदावली कहा गया है। और वृत्ति के अंदर दो उदाहरण दिए हैं, बोले रिपुस्ते मृताः पुत्रस्ते जाता, तुम्हारा शत्रु मर गया तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। बोले अगर हम इष्टा नहीं रखेंगे, केवल अर्थाः पदावली कह देंगे, केवल अर्थों से युक्त जो पदावली है वो काव्य कहलाती है, तो रिपुते मृताः और पुत्रस्ते जाताः ये भी काव्य की श्रेणी में आने लगेंगे। ठीक है, इनको भी काव्य माना जाने लगेगा, क्योंकि भाई यहाँ भी तो एक अर्थ है, ये भी एक पदावली है, तो इसलिए इष्टा कहना जरूरी है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये जो चीज़ है, ठीक है, इष्टाः अर्था और पदावली, इससे भी प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, आगे इसमें वही वृत्ति में पंक्ति दी है, बोले तन्नाम वाक्यम काव्यम, उसी वाक्य को काव्य कहा जाता है यत खलु, जो निश्चित रूप से विलक्षण चमत्कारितया अर्थात विलक्षण चमत्कारिका चमत्कारिता के द्वारा
अर्थात अद्भुत चमत्कारिता के द्वारा, अलौकिक आनंद के द्वारा, बलाद इव अर्थात जबरदस्ती, वशम आनीय वश में करके सामाजिक मनांसी रंजयति, जो सामाजिक हैं, जो सहृदय वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके मन को जो रंजयति अर्थात रंग देता है, ठीक है, उसी को काव्य कहा जाता है। इससे हर एक वाक्य काव्य नहीं हो जाएगा, जिससे सामाजिकों का जो मन है वो बलात् ना चाहते हुए भी रंजित हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है, काव्य कहा जाता है। ठीक है, दो उदाहरण वहाँ पर दिए जाते हैं, तो ये दो उदाहरण याद रखिएगा, क्योंकि दो उदाहरण से प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, काव्य के लक्षण में दो उदाहरण दिए हैं, दोनों अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं। बोले मानुषिभ्य कथम नु स्याद अस्य रूपस्य संभव न प्रभातरलम ज्योति रुदेति वसुधातला। ये दुष्यंत ने कहा शकुंतला को देखने के बाद कि मानुषिभ्य कथम नु स्याद अस्य रूपस्य संभव, मनुष्यों में ऐसा रूप संभव हो ही नहीं सकता। जो रूप शकुंतला का है, जो सौंदर्य शकुंतला का है, ये सौंदर्य मनुष्यों में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रभातरलम ज्योति अर्थात जो आकाश से उत्पन्न होने वाली ज्योति है, वो कभी पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं होती। तो बोले ये जो है यहाँ पर चमत्कारित्व है, तो चमत्कारित्व होने के कारण से ये आपका काव्य है। इसके बाद दूसरा एक चतुर्थ अंक का दिया है विदाई के समय, उद्गीर्ण दर्भ कबला मृगी परित्यक्त नर्तना मयूरी अपसृत पांडुपत्रा मुंचंती अश्रु इव लता। ठीक है, तो ये भी एक आपको दो उदाहरण दिए हैं। अब उदाहरण देके मान लीजिए उद्गीर्ण दर्भ कबला मृगी परित्यक्त नर्तना मयूरी, ये आपको उदाहरण दे दिया, और उदाहरण देने के बाद पूछेगा कि ये जो उदाहरण है किससे संबद्ध है, काव्य प्रयोजन से है, काव्य लक्षण से है, काव्य भेद से है, या काव्य की रीति से है। तो ये जो प्रयोजन है किससे संबंधित है, अर्थात ये जो उदाहरण है किससे संबंधित है, तो ये उदाहरण आपका काव्य के लक्षण से संबंधित है। तो ये दोनों उदाहरण याद रखिएगा, काव्य के लक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो ये काव्य का लक्षण हो गया। अगली बात प्रारंभ करते हैं, अगला जो चैप्टर प्रारंभ होता है, जो पूछा गया, जो लगाया गया, उसका नाम है काव्य के भेद। ठीक है, देखो काव्य के भेद के विषय में आप मोटी बात ये याद रखिए, काव्य के तीन प्रकार के भेद काव्य दीपिकाकार ने स्वीकार किए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहीं से बनेगा कि काव्य दीपिकाकार काव्य के कितने भेदों को स्वीकार करता है। तो काव्य दीपिकाकार काव्य के तीन भेदों को स्वीकार करता है। ठीक है, एक श्लोक दिया है, काव्यम ध्वनिर्गुणीभूत व्यंग्यम चित्रमिति त्रिधा। अर्थात काव्यम जो है वो काव्य जो है तीन प्रकार का होता है, त्रिधा मतलब तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो पहला ध्वनि काव्य, ये पहला हो गया। दूसरा गुणीभूत व्यंग्य काव्य, ये दूसरा हो गया। और तीसरा है चित्र काव्य। ठीक है, तो तीन प्रकार के भेद होते, ये मोटा सा प्रश्न हो गया। पहला ध्वनि काव्य है, दूसरा गुणीभूत व्यंग्य काव्य है, और तीसरा चित्र काव्य है। आगे चलिए, ये एक डायग्राम बना हुआ है इसमें कि भाई काव्य होता है, काव्य के तीन प्रकार के भेद होते हैं। पहला ध्वनि काव्य के माना जाता है, दूसरा गुणीभूत व्यंग्य काव्य माना जाता है, और तीसरा जो है वो आपका चित्र काव्य माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इनकी एक एक परिभाषा है, ठीक है, एक एक परिभाषा दी हुई है कि भाई क्या माना जाए। तो ध्वनि काव्य सबसे पहला कहा गया। देखो ध्वनि काव्य का जो लक्षण आचार्य विश्वनाथ ने दिया है साहित्य दर्पण में, उसी लक्षण को इन्होंने वहां से उठा लिया। ठीक है, तो देखिए क्या ध्वनि काव्य का लक्षण दिया है। बोले वाच्यातिशायनी व्यंग्ये ध्वनिस्तत् काव्यमुत्तमम्। ठीक है, ये लक्षण दिया आचार्य विश्वनाथ ने ध्वनि काव्य का, और उसी को वैसा का वैसा ही लाके रख दिया है। वाच्य अतिशायनी व्यंग्य ध्वनि, बोले ध्वनि काव्य होता है कौन सा माना जाता है, बोले वाच्य अतिशायनी व्यंग्य, जिस काव्य में वाच्य जो है उसकी अपेक्षा व्यंग्यार्थ जो है वो अधिक होता है। भाई एक वाच्यार्थ अर्थ होता है, एक व्यंग्यार्थ होता है। तो जहाँ पर व्यंग्यार्थ की अर्थ की अपेक्षा ज़्यादा है, अर्थात जहाँ व्यंग्यार्थ ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पर कौन सा काव्य माना जाएगा? ध्वनि काव्य। ठीक है, इसलिए हिंदी में भी दिया है, जिस काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारी होता है वह ध्वनि है, अर्थात वह ध्वनि काव्य है। और ये काव्य ध्वनि काव्य क्या माना जाता? उत्तम काव्य माना जाता है, काव्यम उत्तमम, ये उत्तम काव्य माना जाता है। ठीक है,
तो प्रश्न बनेगा भाई उत्तम काव्य कौन सा है, तो ध्वनि काव्य, अर्थात जहाँ पर कुछ ध्वन्यते इति ध्वनि, कुछ ध्वनित हो, कुछ पता लगे, ठीक है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का पूरा ध्वनि के ऊपर लिखा गया है, ध्वन्यालोक, ठीक है। तो उन्होंने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना है। तो जहाँ पर जिस काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ जो है वो ज़्यादा चमत्कारी होता है, तो वह ध्वनि काव्य कहलाता, और ऐसा ध्वनि काव्य उत्तम काव्य की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा, प्रश्न बन जाएगा कि ध्वनि से संबंधित जो परिभाषा है वो किस आचार्य की उद्धृत है, तो आचार्य विश्वनाथ की, कौन से ग्रंथ से, साहित्य दर्पण नाम के ग्रंथ से, ठीक है। इसी में जिस पर जब वृत्ति उन्होंने लिखी तब वो कहते हैं कि यस्मिन काव्ये व्यंग्यार्थो वाच्यार्थात अधिक चमत्कारी, जिस काव्य में व्यंग्यार्थ जो है वो वाच्यार्थ से ज़्यादा चमत्कारी हो, भाई व्यंग्यार्थ जो है वो वाच्यार्थ से ज़्यादा प्रभावी हो, बोले तन्नाम ध्वनि, उसको ध्वनि काव्य कहते हैं, और तच्च काव्यम उत्तमम, उसको उत्तम काव्य की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है, पहला जो ध्वनि काव्य है, ठीक है, तो ध्वनि काव्य का दूसरा नाम क्या है, उत्तम काव्य, इसको हम क्या कहते हैं, उत्तम काव्य भी कहते हैं। दूसरा देखिए, इसी में दूसरा जो काव्य है उसको कहते हैं गुणीभूत व्यंग्य काव्य। देखो गुणीभूत व्यंग्य काव्य को शब्द से ही पकड़ सकते हैं, गुणीभूत व्यंग्य, गुणीभूत मतलब गौणीभूत, जहाँ पर व्यंग्य जो है वो गौण हो जाए, भाई वाच्य क्या हो जाए, दो ही चीज़ें हैं, या वाच्यार्थ है व्यंग्यार्थ है, तो जहाँ पर जो व्यंग्यार्थ है वो आपका गौण हो जाए अर्थात अप्रधान हो जाए, और जो वाच्यार्थ है वो प्रधान हो जाए, ठीक है। इसलिए इसमें जो लक्षण दिया है वो लक्षण देखिए, बोले अनुत्तमे गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु वाच्यता, इन्होंने लक्षण दिया, अपना लक्षण दिया, किसी का नहीं उठाया। इसलिए ये भी याद रखना कि कौन सा लक्षण स्वयं आचार्य का है और कौन सा लक्षण दूसरे आचार्य का है, ठीक है। तो कहते हैं अनुत्तमे गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु वाच्यताः, अर्थात जहाँ वाच्य से व्यंग्य जो है वो ज़्यादा चमत्कारी नहीं होता। सीधी बात है, जहाँ पर व्यंग्य जो है वो कम चमत्कारी होता, वाच्यार्थ ज़्यादा प्रभावी होता है, वहाँ पर क्या होता, गुणीभूत व्यंग्य काव्य माना जाता है, ठीक है। तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य में किसकी प्रधानता होती, वाच्यार्थ की, और ध्वनि काव्य में किसकी प्रधानता होती, तो व्यंग्यार्थ की। ये दो मोटी बातें याद रखना, इससे बनने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता, ठीक है। आगे कहते हैं इसी में, जब इसकी जब वृत्ति लिखी तो कहते हैं कि व्यंग्य अर्थात व्यंग्यार्थ और वाच्यता मतलब वाच्यार्थ, वाच्य से क्या लिया गया, वाच्यार्थ, और व्यंग्य से व्यंग्यार्थ, ठीक है भाई। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक आया है व्यंग्य और एक आया है वाच्य, तो वाच्य जो है मतलब वाच्यार्थ और व्यंग्य मतलब व्यंग्यार्थ। ये भी एक प्रश्न के रूप में आ सकता है कि वाच्य का मतलब क्या है, वाच्यार्थ है, और व्यंग्य का मतलब क्या है, व्यंग्यार्थ, ठीक है। और एक इसमें शब्द आया है अनुत्तमे, अनुत्तमे का मतलब क्या है, तो कहते हैं कि अनधिकार चमत्कारिणी सती, अनुत्तमे मतलब अनधिकार चमत्कारिणी, अर्थात जो अधिक चमत्कारी ना हो, जहाँ पर व्यंग्य अनुत्तमे वाच्यता, अर्थात जहाँ वाच्य से व्यंग्य अनुत्तम हो अर्थात अधिक चमत्कारी ना हो, तो उसको क्या माना जाता है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक उदाहरण दिया है गुणीभूत व्यंग्य काव्य का, इन्होंने वृत्ति में लिखा है कि गुणीभूत व्यंग्यम तच्चा मध्यमम काव्यम, मध्यम काव्य कौन सा है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य। देखो वैसे भी गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो मध्यम में है तो उसको मध्यम काव्य भी कहा जाता है। एक श्लोक दिया है बाल रामायण का दिया हुआ है, ठीक है, देखिए ये श्लोक याद रखिएगा, पूछ लेगा श्लोक देख के कि ये कौन से काव्य से संबंधित है, ध्वनि काव्य से है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य से है, या फिर चित्र काव्य से है। देखिए श्लोक देखिए, बोले अत्रासीत् फणिपाश बंधन विधि शक्त्या भव देवरे गाढ़
बक्षसि ताडे ते हनुमता द्रोणाद्रिरत्ना हृतः दिव्यैरिन्द्रजिदत्र लक्ष्मणशरैर्लोकान्तरं लम्भितः केनाप्यत्र मृगाक्षिराक्षसपतेः क्रेता च कंठाटवी। ये जो श्लोक है ये आपका गुणीभूत व्यंग्य काव्य से संबंधित है, पहला प्रश्न, ठीक है। और इस श्लोक के अंदर भगवान राम जो हैं वो माता सीता को युद्धस्थल की बातें बता रहे हैं, ठीक है। तो युद्धस्थल की बातें बताते बताते वो कहते हैं मृगाक्षी, ठीक है, बोले यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ पर हनुमान ने ऐसा किया, यहाँ लक्ष्मण ने ऐसा किया, और यहाँ पर केनापी किसी व्यक्ति ने राक्षस के जो कंठ पटवी थी अर्थात कंठों का जो समुदाय था उसको कृता अर्थात काट दिया। अब केनापी कहा, ऊपर वाले में देखो हनुमान का नाम दिया है, ठीक है, देवरे कहा है, इसके बाद लक्ष्मण का नाम दिया, लेकिन जब अपनी बारी आई तो वो कहते केनापी, ठीक है। तो बोले जब केनापी कह दिया तो इसी से क्या हुआ, ये व्यंग्यार्थ जो था वो कम हो गया और वाच्यार्थ की प्रधानता हो गई, ठीक है। तो इसी बात को कहा है वृत्तिकार ने अपनी वृत्ति में, काव्य दीपिकाकार ने, बोले अत्र अनुनायको उपनायक प्रतिनायकेशु निर्दिष्टेशु, अर्थात अनुनायक उपनायक और प्रतिनायक का दर्शन या निर्दिष्ट करने के बाद चतुर्थ पादे केनाप्यत्र मृगाक्षी वाले जो चतुर्थ पाद है इसमें नायको राम एव अर्थ शक्त्या प्रतीयते, ठीक है। यहाँ पर केन शब्द के द्वारा नायक राम ही प्रतीत होते हैं और साचा केन अपि इति उपादानेन, अर्थात यहाँ पर केन से किसका ग्रहण है, राम का ग्रहण है। तो केन पद के द्वारा, ठीक है, केन पद के द्वारा, क्योंकि वाच्यार्थ जो था उस वाच्यार्थ की प्रधानता हो गई और वाच्यार्थ की प्रधानता ने व्यंग्यार्थ को का जो चमत्कारी पना था उसको कम कर दिया केन पद ने, ठीक है। तो प्रश्न आएगा किस पद के द्वारा यहाँ पर गुणीभूत व्यंग्यत्व है, तो केन पद के द्वारा, केन पद ने क्या कर दिया, व्यंग्यत्व जो था उसको कम प्रभावी कर दिया और वाच्यार्थ की प्रधानता को परिलक्षित कर दिया, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य के द्वारा। अगला देखिए, अगला एक विभाजन है चित्र काव्य का, ठीक है। तो चित्र का अर्थ आप छाया चित्र या तेल चित्र आदि मत लीजिएगा, ठीक है, कहीं आप सोचे चित्र मतलब कोई चित्र लगा दे, किसी का फोटो लगा दे, ऐसा नहीं है। एक चित्र की परिभाषा करते हैं सबसे पहले, ये बोले व्यंग्यार्थहीनम काव्यम यत तत्तु चित्रमिति स्मृतम, व्यंग्यार्थहीनम काव्यम यत, यत काव्यम व्यंग्यार्थहीनम, जो काव्य व्यंग्य अर्थ से हीन होता है अर्थात जहाँ पर व्यंग्यार्थ की हीनता होती है, व्यंग्यर्थ नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है, चित्रकाव्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक परिभाषा इन्होंने दी है चित्रकाव्य की कि जिस काव्य के अंदर व्यंग्यार्थ की हीनता होती है तो ऐसा काव्य जो है वो चित्रकाव्य के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। तो चित्रम का अर्थ दिया है, याद कर दीजिए, चित्र मतलब क्या है, फोटो मत खींच लेना, किसी का सेल्फी मत लेना, चित्र का मतलब है गुण अलंकार युक्तम, ये चित्रम की परिभाषा, ठीक है। चित्रम का मतलब गुण अलंकार युक्तम अर्थात गुण और अलंकार से युक्त जो है उसको क्या कहा जाता है, चित्रम कहा जाता है। बोले व्यंग्यार्थहीनम मतलब भाई लक्षण के अंदर व्यंग्यार्थहीनम काव्यम यत तत्तु चित्रम इति स्मृतम, तो चित्रम का मतलब तो हो गया गुण अलंकार युक्तम, तो व्यंग्यार्थहीनम का मतलब क्या है, बोले व्यंग्यार्थहीनम स्फुट प्रतीयमान व्यंग्यार्थ रहितम, जहाँ पर स्फुट प्रतीयमान व्यंग्यार्थ, जहाँ पर व्यंग्यार्थ स्फुट होता है, परिलक्षित होता है, प्रकाशित होता है, उस व्यंग्यार्थ रहितम अर्थात व्यंग्यार्थ का ना होना क्या है, बोले व्यंग्यार्थहीनम है, ठीक है। बोले तच्चम तच्च अधमम काव्यम, चित्र काव्य को क्या कहा जाता है, अधम काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य को मध्यम काव्य, ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य और चित्र काव्य को अधम काव्य कहा जाता है।
ठीक है। अब ये जो चित्रकाव्य है ये दो प्रकार का होता है, चित्रकाव्य स्वयं में दो प्रकार का होता है, तो एक होता है शब्द चित्रम और दूसरा होता वाच्य चित्रम, ठीक है। बोले शब्द चित्रम वाच्य चित्रम द्विधम तत्परिकीर्तितम, अर्थात एक शब्द चित्र होता है एक वाच्य चित्र होता है। तो देखते हैं शब्द चित्र और वाच्य चित्र क्या होता है, देखिए एक एक करके देखिए। यह है आपका शब्द चित्र, ठीक है। बोले यत्र वाच्यार्थात शब्दस्य प्राधान्येन चमत्कारित्वं तत् शब्द चित्रम, जहां पर वाच्यार्थ के द्वारा शब्द की प्रधानता हो, अर्थात ऐसा कोई काव्य जहां पर शब्दों की प्रधानता से चमत्कारित्व निकलता हो, ठीक है, शब्दों की प्रधानता के द्वारा, उसको क्या कहते हैं शब्द चित्र। भाई शब्द चित्र में सीधी सी बात जुड़ी हुई है, जहां पर शब्द चमत्कारी रूप में रहे उसे क्या कहेंगे शब्द चित्र। वाच्य चित्र मतलब बोले यत्र, इधर ये वाच्य चित्र है, बोले यत्र शब्दात वाच्यार्थस्य प्राधान्येन चमत्कारित्व, जहां पर शब्द की अपेक्षा वाच्यार्थ के प्राधानत्व का चमत्कारित्व हो, अर्थात शब्द की अपेक्षा वाच्यार्थ की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं वाच्य चित्र कहते हैं, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले शब्द चित्र का एक जो उदाहरण दिया है इसको भी दिमाग में रखिएगा कि भाई ये उदाहरण जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो किस के प्रति दिया हुआ है, ठीक है। तो ये शब्द चित्र में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पूजत कुंज कुटीर कौशिक घटा धूतकारवत की चकह स्तंबाडंबर मूक मौकुलिकुलः क्रौञ्चावतोऽयं गिरिः एतस्मिन् प्रचलाकीनां प्रचलत मुद्विजितः कूजितैरुद्वेलन्ति पुराणचन्दनतरु स्कन्धेषु कुम्भीनसः। तो ये जो उदाहरण दिया है ये उत्तर रामचरितम का है, ठीक है। और कुंभी नसाह ये उल्लुओं के बारे में कहा जाता है कि कैसे उल्लू जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप शब्द देख रहे हैं, ठीक है। पूजत कुंज कुटीर कौशिक घटा कू का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। मूक मौकुल मौकुली कुल क्रौंच, ठीक है। तो ये सब जो है शब्द की जो है वो शब्द की चित्रता है, अर्थात शब्द की विचित्रता है, शब्द का चमत्कारित्व तो है इसके अंदर, इसलिए किसका उदाहरण बनेगा शब्द चित्र का, ठीक है। एक उदाहरण दिया है वाच्य चित्र का, उसको भी देख लेते हैं। तो वाच्य चित्र का ये जो उदाहरण दिया है बोले ते दृष्टि मात्र पतिता अपि कस्य नात्र क्षोभाय पक्ष्मल दृशा मलका खलाश्च नीचः सदैव सविलास मलिक लग्ना ये कालताम कुटिलता मिव न त्यजन्ति। तो दुष्टों को और महिलाओं के बालों के बारे में एक तुलना की है कि दोनों ही नीच हैं और इस नीचता के कारण से अपनी कलुषता को कालेपन को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखना, अगर एक भी याद कर लोगे तो दूसरे में तुक्का लगा लोगे, ठीक है। तो कुंभी नशा वाला जो उदाहरण है वो किसका है शब्द चित्र का है, और ते दृष्टि मात्र पतिता पिकस्य नात्र ये जो है वो वाच्य चित्र का माना जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया है यहाँ तक, तो हमने कितनी जो चीज़ पढ़ ली है ये हमारे काव्य के भेद हो गए। तो काव्य के भेदों को हमने तीन प्रकार से डिवाइड किया कि भाई तीन काव्य माने जाते हैं, ध्वनि काव्य माना जाता है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य माना जाता है और चित्र काव्य माना जाता है। तो जहाँ पर व्यंग्यार्थ की प्रधानता हो वह उत्तम काव्य है और उसी को ध्वनि काव्य कहा जाता है, और इसमें आचार्य विश्वनाथ का मत इन्होंने उद्धृत किया था। और जहाँ पर व्यंग्य से ज़्यादा वाच्यार्थ की प्रधानता हो उसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा जाता है, और इसमें अत्रासीत फणिपाश बंधन विधि ये इसका एक उदाहरण दिया इन्होंने। और तीसरा जो है चित्रकाव्य, चित्रकाव्य में जहाँ व्यंग्यार्थ की हीनता हो वो चित्रकाव्य है। चित्र का मतलब गुण अलंकार से युक्त होना है, और ये अधम काव्य माना जाता है। चित्रकाव्य दो प्रकार का हो जाता है, एक शब्द चित्र होता है एक वाच्य चित्र होता है। शब्द चित्र में वाच्यार्थ की अपेक्षा शब्द का चमत्कारित्व ज़्यादा होता है, और वाच्य चित्र के अंदर वाच्यार्थ का चमत्कारित्व ज़्यादा होता है।
कूजत कुंज कुटीर कौशिक घटा, ये शब्द चित्र का उदाहरण है। और ये दृष्टि मात्र पतिता पि कस्य नात्र, ये वाच्यार्थ का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है गुण के विषय में। ठीक है कि भाई काव्य गुण भी दिए इन्होंने, तो काव्य गुणों से संबंधित जो शिखा है उसका नाम है षष्ठ शिखा। ठीक है, काव्य दीपिका का जो षष्ठ शिखा है उसमें काव्य के गुणों के बारे में चर्चा हुई है। तो पहला प्रश्न यहीं से बनेगा कि काव्य को गुणों के बारे में किस शिखा में चर्चा की गई है, तो षष्ठ शिखा में चर्चा मिलती है। आचार्य मम्मट का इन्होंने पूरा का पूरा श्लोक रख दिया है लाके। ठीक है, पूरा का पूरा श्लोक रख दिया आचार्य मम्मट का। अगर आचार्य मम्मट का आपको वो श्लोक याद है तो आप यहाँ से काव्य दीपिका से आराम से प्रश्न निकाल ले जाएंगे। देखिए, ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मना उत्कर्ष हेतवस्तेस्यो अचल स्थितयो गुणाः। ठीक है, तो कहते हैं जो अंगी रस के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले हैं, रसस्य अंगिनः। ठीक है, जो अंगी रस है, क्योंकि रस की प्रधानता होती वाक्यम रसात्मकम काव्य। ठीक है, और रस को ही क्या काव्य की आत्मा माना जाता है। ठीक है, रस ही क्या काव्य की आत्मा है। तो रस के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले जो धर्मा हैं, ठीक है, उत्कर्ष हेतवा है अर्थात उत्कर्ष को बढ़ाने वाले, रस के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले, ठीक है, और उसके साथ सदा उसके साथ रहने वाले जो धर्म हैं उनको क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। ठीक है, अचल स्थितयाः उत्कर्ष हेतवाः रसस्य अंगिनाः धर्माः। जो रस के अंगी धर्म हैं, प्रधान धर्म हैं, जो कि हमेशा रस के साथ रहते हैं और रस का उत्कर्ष करते हैं, तो ऐसे धर्मों को क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। और इसके लिए एक उदाहरण दिया है शरीर और आत्मा का। बोले जैसे शौर्यादि जो गुण हैं वो शरीर के नहीं होते हैं, शौर्यादि गुण किसके होते हैं, आत्मा के होते हैं। शरीर के अंदर जैसे शौर्यादि गुण आत्मा के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले होते हैं, उसी प्रकार से जो रस के अंगी गुण होते हैं, जो सदा उसके साथ रहते हैं, जो उसके उत्कर्ष को बढ़ाने वाले होते हैं, उनको गुण कहा जाता है। ठीक है, तो ये आचार्य मम्मट का जो गुण का लक्षण दिया है आचार्य मम्मट ने, उसको वैसे के वैसे ही उन्होंने उठा के यहाँ पर रख दिया है। एक बार फिर देख लीजिए, ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मना उत्कर्ष हेतवस्तेस्यो अचल स्थितयो गुणाः। अर्थात जो अंगी रस के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले और सदा उनके साथ रहने वाले धर्म हैं, उनको क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। और ये शौर्यादि आत्मा के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, इसकी उन्होंने थोड़ी सी जब वृत्ति लिखी तो कहते हैं कि आत्मना एव ही शौर्यादया न आकारस्य। भाई शौर्यादि गुण किसके होते हैं, बोले आत्मना, आत्मा के होते हैं, न आकारस्य, शरीर के शौर्यादि गुण नहीं होते हैं। बोले तथा रसस्य एव माधुर्यादया गुणाः न वर्णानाम। उसी प्रकार से माधुर्य आदि जो गुण होते हैं वो किसके होते हैं, बोले रसस्य रस के ही होते हैं, वर्णों के नहीं होते हैं। ठीक है, अब आपसे प्रश्न यहीं से पूछ लेगा कि माधुर्य आदि जो गुण हैं वो रस के माने हैं काव्य दीपिकाकार ने, या वर्णों के माने हैं, या रस और वर्ण दोनों के माने हैं। ठीक है, तो माधुर्य आदि जो गुण है वो किसके माने गए, रस के माने गए। ठीक है, फिर कहते हैं अचल स्थितयाः, एक शब्द आया इसमें अचल स्थितयो गुणः। तो अचल स्थितयाः बोले नियत अवस्थानाः, अर्थात जो नियत रहने वाले हैं, विचलित होने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं कि आज छोड़ के इस पार्टी में, आज उस पार्टी में चले गए, जो पार्टी अर्थात दल बदल नहीं करते हैं, बोले इनको क्या कहा जाता है, बोले गुण कहा जाता है। ठीक है, अब कितने गुण मानता है काव्य दीपिकाकार, उसके बारे में कहा है। तो काव्य दीपिकाकार जो है वो तीन गुणों को मानते हैं। ठीक है, आचार्य मम्मट भी तीन को मानते हैं, काव्य दीपिकाकार भी तीन गुणों को मानते हैं। देखिए गुण विभाग दिया है, बोले माधुर्य ओजः प्रसादाख्यस्त्रयस्ते समुदीरिताः। अर्थात माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, तीन गुण माने हैं। ठीक है, तो काव्य दीपिकाकार ने मम्मट की तरह तीन गुणों को स्वीकार किया है। पहला गुण जो उसके अंदर है माधुर्य है, दूसरा गुण ओज है, और तीसरा गुण प्रसाद है। ठीक है, अब एक एक करके एक एक का लक्षण देखते चलेंगे। भाई माधुर्य क्या है, ओज क्या है, और
प्रसाद क्या है, ठीक है। तो देखिए माधुर्य का लक्षण दिया है, लक्षण आप जरूर याद रखिएगा, दो तीन बार इसका वाचन कर लेंगे, दो तीन बार अपने आप पढ़ लेंगे तो आपको इसका लक्षण बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। और ये लक्षण ही कई बार नैया डुबा देते हैं और नैया को पार लगा देते हैं, ठीक है। तो माधुर्य का दिया है, बोले आह्लादकत्वम माधुर्यम चित्तस्य द्रुतिकारणम, ये माधुर्य का दिया। बोले आह्लादकत्वम माधुर्यम, बोले माधुर्य क्या होता है, बोले आह्लादक, ठीक है। बोले आह्लादकत्व को माधुर्य कहते हैं, जो आह्लाद है, जो आनंद है, बोले वो माधुर्य है। और माधुर्य होता कब है, आह्लाद होता कब है, बोले चित्तस्य द्रुतिकारणम, चित्त को द्रुति अर्थात द्रवीभूत बनाने वाला जो आह्लाद है उसको क्या कहते हैं, माधुर्य कहते हैं, ठीक है भाई। चित्त को जो द्रवित कर देने वाला है, आनंदित कर देने वाला है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बोले माधुर्य, माधुर्य कहते हैं। तो देखिए बोले चित्तस्य द्रुति कारणम, बस एक बात याद रखिएगा, आह्लादकत्वम का दीपिकाकार अर्थ करते हैं आनंद जनकत्वम, अर्थात माधुर्यम किम आनंद जनकत्वम। प्रश्न पूछ लेगा आह्लादकत्वम इति किम आनंद जनकत्वम, भाई आह्लादकत्व का मतलब क्या है, आनंद को उत्पन्न करने वाला, आनंद को उत्पादित करने वाला क्या कहलाता है, बोले माधुर्यम, माधुर्य कहलाता है। और वो कैसे बनता है, बोले चित्तस्य द्रुति कारणम, द्रुति कारणम को कहते हैं गलितत्वम, ठीक है, अर्थात चित्र को गलितत्व कर देता है, गलित कर देता है, आनंदित कर देता है। तो चित्र को द्रवीभूत बनाने वाला जो आह्लाद है उस आह्लाद को क्या कहा जाता है, माधुर्य कहा जाता है, ठीक है। और ये माधुर्य जो है वो करुण में होता है, करुण से ज़्यादा विप्रलंब श्रृंगार में होता है और उससे ज़्यादा शांत में होता है, ठीक है। तो माधुर्य जो है वो आपको तीन जगह मिलेगा, करुण, विप्रलंब श्रृंगार और शांत रस में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा भाई, करुण, विप्रलंब श्रृंगार और शांत जो है इसमें क्या मिलता है आपको, माधुर्य मिलता है, ठीक है। विश्वनाथ ने इसके बारे में कहा है, आवृत्ति अल्प वृत्र व मधुरा रचना तथा, अर्थात माधुर्य के अंदर माधुर्य तब निकलता है जब भाई या तो आवृत्ति अर्थात समास की समास ना हो, और समास हो तो अल्प वृत्ति व बहुत छोटे छोटे समास हो, ठीक है। जो मधुरा रचना है वो माधुर्य के द्वारा रचित होती है, प्रकाशित होती है। एक श्लोक दिया इसके लिए, बोले तदिदम क्रियताम अनंतरम भवताम बंधुजन प्रयोजनम, रघुवंश का है, ठीक है। और ये रति विलाप है शायद यहाँ पर, कामदेव के मारे जाने के बाद रति ये बात कहती है अन्य लोगों को। तो ये जो है बोले यहाँ पर ये जो है माधुर्य दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये माधुर्य के बारे में चर्चा होगी। अगला देखते हैं, ओज, बोले ओज क्या है, ठीक है। तो ओज में इन्होंने आचार्य विश्वनाथ का लक्षण उठा लिया है, बोले ओजस चित्तस्य विस्तार रूपम दीप तत्वम उच्यते, ठीक है। बोले चित्त का विस्तार स्वरूप जो दीपत्व है उसको क्या कहते हैं, ओज कहलाता है, ठीक है। बोले चित्त का विस्तार स्वरूप जो दीपत्व है, अर्थात चित्त का जो विस्तार होता है और उसमें जो दीप्तिपना है, दीप्तिपना के कारण से चित्त का जो विस्तार होता है, मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बोले ये सब क्या है, ओज कहलाता है। और ये जो ओज है ये वीर रस में होता है, वीर से 250 ग्राम ज़्यादा विभत्स में है, विभत्स से आधा किलो रौद्र में है, ये अधिकता के द्योतक है, ठीक है भाई। ओज वीर रस में है, अब वीर रस का कोई बात है और आप मरे मरे बात कर रहे हैं, अरे हम मार देंगे, काट देंगे, तो फिर वहाँ पर ओज नहीं निकलेगा, ठीक है। लगना भी चाहिए वाणी से भाई मार देंगे, तो मारने वाला विचार, मारने वाला ख्याल, वो चीज़ आपकी क्रियात्मकता की दृष्टि से भी होनी चाहिए। तो ओज जो है ये परिभाषा दी है, ओजस चित्तस्य विस्तार रूपम दीपत्वम उच्यते, ठीक है। और ओज जो है वो कहाँ होता है, बोले वीर में होता है, वीर से ज़्यादा विभत्स में होता है, विभत्स से ज़्यादा रौद्र में होता है, और इसमें बहु समास होता है, अर्थात समास बहुला होता है, वहाँ पर ओज निकलता है, ठीक है। अगर समास बहुला तो सीधी सी बात ओज निकलेगा, आप पढ़ के कोई श्लोक देखिएगा, ठीक है। अगला है प्रसाद, प्रसाद देखिए, बोले चित्तम व्यापनोति यह क्षिप्रम शुष्केंधन इमावल इवानलह सब प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च। अब यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा आपका कि समस्तेषु रसेषु रचनासु च का, जो सारी रसों में हो, सारी रचनाओं में हो, ऐसा कौन सा गुण है,
तो कहते हैं प्रासादा, वो प्रासाद है। ठीक है भाई, जहाँ आह्लादकत्व होगा वहाँ पर क्या होगा, माधुर्य होगा, और जो सारी रचनाओं में हो, सारे रसों में व्याप्त हो, उसको क्या कहा जाता है, प्रासाद। और इसका एक उदाहरण दिया है, बोले चित्तम व्यापनोति यह क्षिप्रम शुष्किंधन इव अनलाह। जैसे अनलाह आग जो है सूखे हुए ईंधन को क्षिप्रम जल्दी से क्या कर लेती, व्यापनोति अर्थात व्याप्त कर लेती है। भाई सूखे हुए ईंधन में अगर आप आग लगाओगे तो वो जल्दी जल्दी क्या कर लेगी, उसको व्याप्त कर लेगी, फैल जाएगी। बोले इसी प्रकार से जो चित्तम व्यापनोति, चित्त को व्याप्त कर लेता है, वो क्या है, बोले प्रसाद अर्थात प्रसाद गुण है। और ये जो प्रसाद गुण है ये समस्तेषु रसेषु रचनासु च, सारी रचनाओं में और सारे रसों में ये प्रसाद गुण पाया जाता है। इसको हिंदी में देख लीजिएगा, शुष्क ईंधन में अग्निदेव शीघ्रता से व्याप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि अर्थ चित्त में बैठ जाया करे तो वह समस्त रस और रचना में प्रसाद नाम से कहा जाता है। वही बात है। तो हमने ये तीन गुण देख लिए, माधुर्य ओज प्रसादाख्या त्रयस्तेना पुनर्दशा। वैसे ये मम्मट की पंक्ति है, और मम्मट कहते हैं कि पहले के लोग 10 मानते थे, हम तो 3 ही मानते हैं। तो मम्मट का अनुसरण करते हुए काव्य दीपिकाकार ने भी इनको 3 ही स्वीकार किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला इसमें दिया है रीतियाँ, काव्य की रीतियाँ क्या हैं। ठीक है, तो काव्य की रीतियों से संबंधित दंडी का एक उदाहरण दिया है सबसे पहले। ठीक है, तो काव्य की रीतियाँ जो हैं उसके लिए दंडी का वो एक परिभाषा दी है, उदाहरण दिया है। बोले अस्त्यनेको गिराम मार्गाः सूक्ष्म भेदः परस्परम् तत्र वैधर्व गौणीयौ वर्णेते प्रस्फुटनंतरौ। बोले अस्ति अनेकाम गिराम मार्ग, बोले वाणी के जो मार्ग हैं अनेक हैं। ठीक है, और सूक्ष्म भेदः परस्परम्, सूक्ष्मता के भेद से परस्पर अनेक वाणी के मार्ग हैं। ठीक है भाई, यद्यपि वाणी के पारस्परिक सूक्ष्म भेदों के अनेक मार्ग हैं, फिर भी उनमें जो वैधर्वी और गौणी है उनके भेद कैसे हैं, बोले प्रस्फुट अनंतरऊ अर्थात अत्यंत स्फुट होते हैं, बड़े आसानी से दिखाई पड़ जाते हैं। तो दीपिकाकार केवल 2 ही रीति मानता है, एक वैधर्वी रीति मानता है, दूसरी गौणी रीति मानता है, पांचाली को उसने स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, तो एक प्रश्न इस बनेगा आपका कि भाई काव्य दीपिकाकार कौन कौन सी रीतियाँ मानता है, कितनी रीतियाँ मानता है, तो केवल 2 रीति मानता है, एक का नाम वैधर्वी है और दूसरी का नाम गौणी है। ठीक है, ये श्लोक किस आचार्य का दिया है, तो आचार्य दंडी का दिया हुआ है कि अस्त्यनेको गिराम मार्ग सूक्ष्म भेदः परस्परम् तत्र वैधर्व गौणीयौ वर्णेते प्रस्फुटानन्तरम्। ठीक है, तो ये उनका आचार्य दंडी का ये श्लोक है। चलिए, इसमें कुछ शब्द हैं जिनसे प्रश्न बन जाएगा, जिनको काव्य दीपिकाकार ने रखा भी है। बोले प्रस्फुटानन्तरौ, इसका मतलब क्या है, बोले स्फुट प्रतीयमान भेदौ। ठीक है, अब प्रश्न यहीं से बनेगा आपको, बोले प्रस्फुटानन्तरौ का अर्थ क्या करते हैं काव्य दीपिकाकार, स्फुट प्रतीयमान भेदौ, जहाँ पर जो भेद, जो प्रतीयमान भेद है, जो दिखाई देने वाला भेद है, वो स्फुट है अर्थात अलग अलग है, दिखाई दे रहा है कि भाई ये इसका भेद है, ये इसका भेद है, उसको कहा जाता है प्रस्फुट अनंतरो। बोले मार्ग, मार्ग मतलब क्या होता है, रीति। अस्ते अनेको गिराम मार्ग, हाईवे मत कर देना 4 लाइन और 6 लाइन, नितिन गडकरी जो बनवा रहे हैं, बोले ऐसा नहीं है गुरु, मार्ग मतलब रीति। ठीक है, बोले रीति क्या होती है, बोले साचा पद विन्यास प्रणाली रूपा। रीति क्या होती है, रीति आत्मा काव्यस्य, एक आचार्य रीति को भी आत्मा काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। ठीक है, बोले वो रीति क्या है, बोले पद विन्यास प्रणाली रूपा रीति। अब यहाँ से प्रश्न हो जाएगा, पद विन्यास प्रणाली रूपा का, तो पद विन्यास प्रणाली रूपा कौन है, तो कहते हैं रीति है। ठीक है, अब इसी में आचार्य विश्वनाथ का एक लक्षण दिया है, बोले पद संघटना रीति अंग संस्था विशेषवत। बोले रीति क्या है, बोले पद संघटना, भाई पदों की जो संघटना है, पदों को जो व्यवस्थित करना है, उसे क्या कहते हैं, बोले रीति। बोले किसके समान, बोले अंग संस्था विशेषवत, जैसे हमारे अंगों की संस्था होती है, अलग अलग अंग अलग अलग स्थान पर लगे हुए हैं। ठीक है, बोले उसी प्रकार से जो पद घटना है, संघटना, उसको क्या कहा जाता,
रीति कहा जाता है, किसका ही आचार्य विश्वनाथ का, इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए वैदर्भी, ठीक है, तो वैदर्भी है, तो वैदर्भी रीति क्या है, बोले माधुर्य व्यंजकैर्वर्ण ही रचना ललितात्मिका अवृत्ति अल्प वृत्तिर्वा वैदर्भी रीति रिष्यते। अब यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा भाई अवृत्ति अल्प वृत्तिर्वा का, ये पंक्ति हटा देंगे बीच से, अवृत्ति अल्प वृत्तिर्वा का, बोले वैदर्भी, ठीक है, माधुर्य व्यंजकैर्वर्ण ही रचना ललितात्मिका का, बोले वैदर्भी। तो ये श्लोक को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार श्लोक के मध्य से पद हटाने के बाद भी प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए आपको श्लोक याद होगा तो आप आराम से लगा ले जाएंगे पंक्ति को। माधुर्य व्यंजकैर्वर्ण ही रचना ललितात्मिका अवृत्ति अल्प वृत्तिर्वा वैधर्वी रीति रिष्यते। वो ललितात्मिका मतलब, बोले मधुर स्वरूपा, ठीक है, अब प्रश्न ही से बना देगा। ये सब टोटली प्रश्न है, जितने आपको मैंने अब तक दिखाए हैं, पिछले हमें 50 मिनट हो गए हैं, तो 50 मिनट में हमने जितना पढ़ा है टोटल प्रश्न है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सब इधर से ही फंसने वाला। अगर आप इस वीडियो को दो बार देख लेंगे, मुझे नहीं लगता शायद काव्य दीपिका से कुछ आपका छूटने वाला, कुछ नहीं छूटेगा। पुस्तकों में वैसे सिर मारते रहिए तो 2-3 घंटे लगा लेंगे आप आराम से। तो ललितात्मिका का मतलब हो गया मधुर स्वरूपा, अर्थात जो मधुर स्वरूप वाली है, और वृत्ति मतलब समासः, भाई वृत्ति थी ना अवृत्ति अल्प वृत्ति वा, अर्थात वैदर्भी में क्या होता है, या तो समास बिल्कुल नहीं होता, और या पर होता तो अल्प होता है, ठीक है, उसको वैदर्भी कहते हैं। जहाँ पर माधुर्य व्यंजक वर्ण ही, जहाँ माधुर्य को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के द्वारा जहाँ पर रचना की जाती है, और वो रचना जो है वो कैसी होती, मधुर स्वरूप वाली होती है, उसी को कहा क्या जाता है, वैदर्भी रीति कहा जाता है। अगला देखिए गौणी, ठीक है, गौणी का दिया है, बोले ओजह प्रकाशकैर वर्णैर बंधा आडम्बर पुनः समास बहुला गौणी दर्पणे समुदीरिता, ठीक है। तो सबसे मोटी बात क्या है, समास बहुला गौणी, गौणी के अंदर क्या होता है, बोले समास बहुला, समास की बहुलता होती है सबसे बड़ी बात। और वहां पर ओजह प्रकाशकैर वर्णैर बंधा, अर्थात ओजह प्रकाशकैर बंधैर वर्णैर बंधा, ओज को प्रकाशित करने वाले, ओज को प्रकट करने वाले, डमट 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 डा हो गया बार बार, डमट डमट डमट, अर्थात ओज प्रकाशित हो रहा है, बोले ऐसे वर्णों के बंधों के द्वारा जिस की रचना की जाती है वो गौणी है, उसको गौणी रीति कहते हैं। और गौणी रीति क्या है, बोले समास बहुला, समास की बहुलता वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पद आया है बंधा, बोले बंधा का मतलब क्या है, रचना, ठीक है, प्रश्न फंसेगा सीधा का सीधा, वो उठा के कह देगा ओजह प्रकाशकैर वर्णैर बंधा, बंधा का अर्थ क्या है, बोले रचना, और आडम्बरा का अर्थ क्या है, गाढ़ा, ठीक है, आडम्बरा पुनः, अर्थात गाढ़ मिले हुए जो हैं, जो बंध मिला हुआ है, उसे क्या कहते हैं, गौणी रीति कहते हैं। तो हमने रीति तक कर लिया और हमें 53 मिनट हो गए हैं, अगले 7 मिनट के अंदर हम शब्द शक्ति को देख लेंगे, अर्थात 1 घंटे का वीडियो है ये, 1 घंटे में आपने, आप ये मानिए पूरा काव्य दीपिका आपने 1 घंटे के अंदर पढ़ लिया, जितना चैप्टर लगा है काव्य दीपिका का हम 1 घंटे में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम शब्द शक्ति की बात करते हैं, ठीक है, शब्द शक्ति की बात करने से पहले थोड़ा सा शब्द शक्ति के बारे में समझ लीजिए। देखो शब्द जो है वो हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक वाचक शब्द होता है, एक लाक्षणिक होता है, और एक व्यंजक शब्द होता है। अब 3 प्रकार के जब शब्द हैं तो अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वाच्यार्थ होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है, और एक व्यंग्यार्थ होता है, ठीक है। अब हम पूरे दिन जब से पैदा हुए और जब से मैं बोलना सीखा और जब तक सिल्ट नहीं जाओगे दुनिया से तब तक हम शब्द बोलते ही रहते हैं, ठीक है, और हम उसमें 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाच्यार्थ का भी, अर्थात वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, 3 प्रकार, बस हमें पता नहीं है, ठीक है। तो जो पता नहीं उसको पता करना, और कुछ नहीं है शब्द शक्ति के अंदर, ठीक है, इससे भी कुछ प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए मम्मट का उदाहरण दिया है, बोले शब्दः पुनस्त्रिविधाः, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द होते हैं आपके 3 प्रकार के, यथाः मम्मट भट्टाः, जैसा आचार्य मम्मट भट्ट कहते हैं, क्या कहते हैं आचार्य मम्मट भट्ट,
बोले स्याद वाचको लाक्षणिकाः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधाः। ये काव्य प्रकाश की पंक्ति है, आचार्य मम्मट की है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं शब्द शक्ति के बारे में, स्याद वाचको लाक्षणिकाः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधाः, अर्थात वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक तीन प्रकार के शब्द जो है वो होते हैं। ठीक है, ये आचार्य मम्मट का याद रखिएगा ये पंक्ति, और ये इनका स्वयं की पंक्ति है। शब्दः पुनः त्रिविधा, ये स्वयं की पंक्ति है, और जो पंक्ति स्याद से शुरू होगी वो आचार्य मम्मट की है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। बोले शब्द जो है वो तीन प्रकार के हैं, एक वाचक शब्द होता है, एक लाक्षणिक शब्द होता है, और एक व्यंजक शब्द होता है। वाचक से जो अर्थ निकलता है उसको वाच्यार्थ कहते हैं, लक्षण से जो निकलता है उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं, और व्यंजक से जो अर्थ निकलता है उसको व्यंग्यार्थ कहते हैं। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है, आगे देखते हैं। बोले इसी को उन्होंने कहा है, बोले वाच्यार्था वाच्यादयस्तदर्था स्यु मम्मटेन यथोदिताः। बोले उसी प्रकार से वाच्यादयः तदर्थाः, वाचक आदि के वाच्यार्थ होते हैं। वाचक का वाच्यार्थ, लाक्षणिक का लक्ष्यार्थ, व्यंजक का व्यंग्यार्थ। ठीक है, अब देखते हैं एक एक की परिभाषा कर लेते हैं भाई, वाचक क्या है, ठीक है, लाक्षणिक क्या है और व्यंग्यार्थ क्या है। देखिए सबसे पहले वाचक को कहा गया, बोले वाचक के बारे में कहते हैं साक्षात सांकेतितम यो रथम अभिधत्ते सा वाचका है। ये वाचक की परिभाषा दी आचार्य मम्मट के हिसाब से। बोले साक्षात संकेतितम यो अर्थम, साक्षात संकेतित अर्थ को जो बतलाता है। भाई गाय का मतलब वो जो गाय में दिखती है खूंटे से बंधी हुई बही है, तो ये क्या हो गया, साक्षात संकेतित अर्थ हो गया। ठीक है, एक शब्द का जो सीधा अर्थ निकलता जाके उसको क्या कहते हैं, वाच्यार्थ, और वो जो शब्द क्या है वो वाचक। तो गौ शब्द वाचक हो गया, और वो शासनादि जो पिंड है वो क्या हो गया, वाच्यार्थ हो गया। ठीक है, शासनादि पिंड वाच्यार्थ हो गया, और गौ शब्द क्या हो गया आपका, वाचक हो गया। इसलिए कहा, बोले साक्षात संकेतितम यो अर्थम, साक्षात संकेतित जो अर्थ होता है उसको, उस अर्थ को अभिधत्ते जो बतलाता है स वाचका, स वाचका वो वाचक है। अब प्रश्न यहीं से बन जाएगा, यहाँ तक तो आपको कह देगा कि साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सह कह, तो सह कह प्रश्नवाचक लगा के आपको क्या लिखना, सह वाचक। ठीक है, देखिए इसी को क्या कहते हैं, बोले ये कैसे होता है भाई, शब्द शक्ति कैसे काम करती है। बोले अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थो बोधव्यः, इस शब्द से ये अर्थ लेना चाहिए, ये स्वाभाविक होता है। ठीक है, और ईश्वर के द्वारा उद्भावित होता है, याद रखिएगा ईश्वरोद्भाविता एक शब्द मिलेगा। ईश्वर के द्वारा उद्भावित शक्ति कौन सी होती है, बोले वाचक, या ईश्वर द्वारा उद्भावित अर्थ कौन सा होता है, वाच्यार्थ। ठीक है, बोले अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थो बोधव्यः, इस शब्द से ये अर्थ समझना चाहिए, ये क्या है, वाचक है, अर्थात गौ का अर्थ सीधा गौ। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, स्वाभाविक शक्ति, इसी को कहा जाता है अभिधा शक्ति। भाई अभिधा शक्ति के द्वारा वाचक अपने वाच्यार्थ को कहता है। ठीक है, तो साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचक, ये वाचक का हो गया। चलिए लक्षणा का देखते हैं। ठीक है, बोले लक्षणया अर्थबोधकाः शब्दाः लाक्षणिकाः, लक्षणा वृत्ति के द्वारा अर्थबोधक जो शब्द है उसको क्या कहते हैं, लाक्षणिक शब्द। तुम गधे हो, ठीक है, अब भाई गधे का अर्थ वो जो गधा ईंटे ढोता है वो है। ठीक है, गधे का मतलब वो जो ईंट ढोने वाला गधा है वो है, ये तो इसका क्या हो गया, वाच्यार्थ। लेकिन तुम गधे हो, भाई तुम तो ना तो ईंटे ढोते हो, ना ढेचू ढेचू करते हो, ना दो चारों पैरों से चलते हो, तो तुम गधे कैसे हो सकते, तो तुम आ गए लक्षणा के द्वारा, तुम लक्षणा के द्वारा गधे हो गए हो, इसी को लक्षणा कहते हैं। लक्षणयाः अर्थबोधकः शब्दाः, लक्षणावृत्ति के द्वारा अर्थ का बोधक जो शब्द है उस शब्द को क्या कहते हैं, लाक्षणिक शब्द, और वो जो अर्थबोधन होता है उसको क्या कहते हैं, लक्ष्यार्थ। स्पष्ट है बात, ठीक है। बोले तया बोध्यो अर्थ्या लक्ष्या, देखो ये बात है, उसके द्वारा जो बोध्य अर्थ होता है, भाई लक्षणा शक्ति के द्वारा जो बोध्य अर्थ होता है उसको क्या कहा जाता है, लक्ष्यार्थ कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये लक्षणा का हो गया, पंक्ति याद करेंगे आपको और स्पष्टता होगी। लक्षणा के बारे में देखिए,
बोले मुख्यार्थवादे तद्युक्ते यया अन्योर्था प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। आचार्य विश्वनाथ का पूरा लक्षण उठा लिया है ऐसे कैसा ही। मुख्यार्थवाद है, लक्षणा में दो तीन चीज़ें होती, सबसे पहले मुख्यार्थवाद होना चाहिए। भाई तुम गधे हो तो तुम गधे तो हो नहीं, तो ये मुख्यार्थ जो था, जो अभिधा शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ आ रहा था कि भाई तुम गधे हो, हमने जो गधे देखे हैं अब तक, वैसे तो तुम लगते नहीं हो, तो मुख्यार्थ जो है गधे का पना, मतलब गधा मतलब गधापना, उस मुख्यार्थ का क्या हो गया, बोले बाधे बाद हो गया। तद युक्त, उस मुख्यार्थ से युक्त, भाई युक्त होना चाहिए, मुख्यार्थ से भिन्न होना चाहिए लेकिन जुड़ा मुख्यार्थ के साथ ही होना चाहिए। बोले अन्य अर्थाः प्रतीयते, जो दूसरा अर्थ है ठीक है, यया मतलब जिसके द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ के बाद होने पर दूसरा अर्थ प्रतीत होता है ठीक है। बोले सा लक्षणा, असौ लक्षणा शक्ति, उसको क्या कहा जाता है, लक्षणा शक्ति कहा जाता है ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, ईश्वरो अनुद्भाविता, इसका नाम दूसरा है ईश्वरो अनुद्भाविता, अर्थात ही ईश्वर के द्वारा अनुद्भावित होती है। देखो ईश्वर के द्वारा उद्भावित होती है अभिधा शक्ति, एक शब्द का एक वाच्यार्थ सीधा का सीधा, लक्षणा अनुद्भाविता होती है, इसको याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कई बार यहाँ से कि ईश्वर के द्वारा उद्भावित शक्ति कौन सी है, तो अभिधा है, ईश्वर के द्वारा अनुद्भावित शक्ति कौन सी है, तो लक्षणा ठीक है। तो मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए, परंतु मुख्यार्थ से संबंधित कोई दूसरा अर्थ जिस शक्ति के द्वारा प्रतीत होता है वह लक्षणा शक्ति कहलाती है। और वो लक्षणा जो शक्ति है वो दो प्रकार की हो जाती है, एक रूढ़ी हो जाती है, एक प्रयोजन हो जाती है ठीक है। इसलिए रूढ़ी और प्रयोजन लक्षणा ठीक है भाई, उसका दो ही अर्थ होता है, या तो रूढ़ अर्थ होता है या प्रयोजन होता है। हमने जब आपसे कहा कि आप गधे हैं, हालांकि आप हैं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने जब किसी को कहा कि आप गधे हो तो मेरा प्रयोजन है वहाँ पर गधापना, उसको गधा कहने का ठीक है, कोई प्रयोजन है ठीक है, भाई उसकी बुद्धि या काम करने में जो मैं दिखाई पड़ रहा है वो प्रयोजन है उसका, इसी कारण से उसको गधा मैंने कहा। अब रूढ़ी का जो उदाहरण है वो कहते हैं कलिंगा साहसिका, उदाहरण याद रखिएगा कि भाई कलिंगा साहसिका किसका उदाहरण है, तो रूढ़ी का है ठीक है। कलिंग क्या है, साहसिका। अब कलिंग का मतलब क्या है, कलिंग देश, भाई मुख्यार्थ क्या है, कलिंग मतलब कलिंग देश, ये मुख्यार्थ हो गया ठीक है, कलिंग मतलब कलिंग देश, ये मुख्यार्थ हो गया, परंतु मुख्यार्थवाद हो गया, तो मुख्यार्थवाद होने पर दूसरा अर्थ क्या निकल के आया, कलिंग देश में रहने वाले लोग भी क्या कहलाए, कलिंग कहलाए, मथुरा में रहने वाले माथुर कहलाए, ऐसे कलिंग में रहने वाले कलिंग कहलाए। तो मुख्यार्थवाद होने के बाद एक नया अर्थ उससे जुड़ा हुआ निकला। अब देखो यहाँ पर कलिंग ऐसा नहीं है कि बंगाल के लोग कलिंग कहलाने लगे या राजस्थान के लोग कलिंग हो गए, नहीं, तद युक्त, उससे युक्त भी तो होना चाहिए भाई। तो कलिंग से युक्त जो लोग उनको क्या कहलाए, वो भी कलिंग कहलाए, ये दूसरा अर्थ आया। तो ये दूसरा अर्थ जिसके द्वारा आया वो लक्षणा शक्ति है यहाँ पर, और कौन सी लक्षणा है, रूढ़ी लक्षणा है ठीक है। तो कलिंगा साहसिका किसका उदाहरण है, रूढ़ी लक्षणा का। प्रयोजन का क्या है, गंगायाम घोषा, आपसे कहा गया गंगा में झोपड़ी पड़ी है, तो गंगा तो क्या है, बोले गंगा क्या है, बोले जल का प्रवाह, जल का प्रवाह रूप क्या है, गंगा है। तो गंगा किसे कहोगे, जो जल का प्रवाह रूप है वही गंगा है। अब वो जो जल का प्रवाह रूप है उसमें तो झोपड़ी नहीं टिक सकती है, तो ये बात तो मुख्यार्थ तो बाद हो गया भाई। गंगा जो जल प्रवाहत्व रूप दिखाई पड़ता है, उस जल प्रवाहत्व रूप आधार पर झोपड़ी को आप नहीं स्थापित कर सकते हो, तो मुख्यार्थ बाद हो गया। मुख्यार्थवाद होने के कारण से तद युक्त, उससे युक्त जो, अब उससे युक्त क्या है, तटत्व, भाई गंगा का मतलब हो गया गंगा तट। तद युक्त, उसके द्वारा युक्त जो अन्यार्थ है गंगा का, मतलब गंगा तट, ये अर्थ निकल के आया, तो गंगा तटे घोषा ठीक है। प्रयोजन क्या है, भाई गंगा तटे ही क्यों नहीं कह दिया, गंगायाम घोषा के स्थान पे गंगा तटे घोषा ही क्यों नहीं कह दिया, तो कहते हैं प्रयोजन नहीं होता, अगर गंगा तटे घोषा कहते तो अभिधा ही रहती, अर्थात वाचकता ही रहती, अभिधा लक्षणा
लक्षणा नहीं आती, अविदा ही बनी रहती, इसलिए क्या कहा उन्होंने, गंगायाम घोषा कहा। गंगायाम घोषा कहने का जो आनंद है, उसमें जो प्रयोजनत्व निकल के आता है, वो गंगा तटे घोषा कहने से नहीं निकलता। तो प्रयोजनत्व क्या है, शीतत्व और पावनत्व, ये प्रयोजन है उसका, ठीक है। तो प्रयोजन जो लक्षणा है उसका उदाहरण है गंगायाम घोषा, और रूढ़ी का है कलिंगा साहसिका। इन दो उदाहरणों को याद रखना, क्योंकि यही परीक्षा में यहीं से सीधे फंसेंगे। तो लक्षणा, टोटल लक्षणा चार प्रकार की मानता काव्य दीपिका कार, याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न फंसता है यहाँ से। काव्य का काव्य दीपिका कार जो है वो लक्षणा कितने प्रकार की मानता है, चार प्रकार की मानता है। रूढ़ी मूला, प्रयोजन मूला हमने उदाहरण देख लिए हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, ठीक है। उपादान को और लक्षण को समझ लीजिए, ठीक है। उपादान, उपादान का मतलब है एक ऐसी लक्षणा जो अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरे के अर्थ को भी लेके आ जाती है, ठीक है भाई। अपने अर्थ को सिद्ध करना उसे, तो वो दूसरे के अर्थ को भी उठा लाएगी, अपना अर्थ पूरा होना चाहिए। वो कहते ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला, तो ये जो भाड़ में जाए जनता, ये कौन है, उपादान है, ठीक है। अपना काम बनना चाहिए, इसके बाद किसी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है इससे कोई मतलब नहीं है, इसी को कहा जाता है उपादान लक्षण। और लक्षण लक्षणा क्या होती है, जो दूसरे के काम बनाने के लिए अपना भी सब कुछ दान कर दे, अर्थात दधीची इंद्रो दधीच अस्थि भी, महर्षि दधीची, कि भाई दूसरे के काम बनने के लिए इन्होंने अपनी अस्थियां भी दान दे दी, वो किसका उदाहरण हो गया, लक्षण लक्षणा का। तो उपादान लक्षणा अपना काम बनता वाली, और लक्षण लक्षणा जो है वो आचार्य दधीची वाली, महर्षि दधीची वाली है, ठीक है। तो ये तो एक लौकिक उदाहरण से आपको सामान्य रूप से समझ लें इस बात को रखा है, इसकी एक परिभाषा जो दी इन्होंने उसको देख लेते। बस इतना याद रखना कि लक्षणा कितने प्रकार की मानता है काव्य दीपिका कार, चार प्रकार की, ठीक है। रूढ़ी मूला, प्रयोजन मूला, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। तो देखिए उपादान लक्षणा का उदाहरण लक्षण दिया है, स्वसिद्ध है पराक्षेप असौ उपादान लक्षणा। स्वसिद्ध है अपनी सिद्धि के लिए, पर आक्षेप दूसरे का आक्षेप कर देना, भाई अपनी सिद्धि हो जाए अपना काम बन जाए, इसलिए क्या करना है, दूसरे का भी अर्थ अपने पास ले आना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा, ठीक है भाई। अपना काम बन जाए इसलिए दूसरे का अर्थ भी ले आए, इसको क्या कहा जाता है, उपादान लक्षणा। उदाहरण है यष्टयः प्रविशन्ति, लाठियां प्रवेश करती हैं। अब लाठियां तो प्रवेश नहीं कर सकती हैं, सीधी सी बात है। तो मतलब क्या हुआ, लाठी यष्टि का जो अर्थ, जो लाठी है, लाठी में क्योंकि प्रवेशत्व जो क्रिया है, वो प्रवेशत्व क्रिया सचेतनत्व के संबंध से स्थापित होने के कारण से वो लाठी में नहीं हो सकती है। तो लाठी ने क्या किया, अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए लाठी वाले पुरुष का ग्रहण कर लिया, अर्थात अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए पुरुष अर्थ को भी लेके आ गए। तो यष्टया का अर्थ हो गया यष्टिवंताः प्रविशन्ति, अर्थात जिनके हाथ में लाठियां हैं ऐसे लोग प्रवेश करते हैं। तो स्वसिद्धये अपनी लाठी को सिद्ध करने के लिए उसने पुरुष को लेके आ गई, यही क्या है उपादान लक्षणा। दान आदान याद रखना, आदान मतलब लेना, जो दूसरे का अर्थ भी ले ले वो उपादान लक्षणा है। यष्टयः प्रविशन्ति इसका उदाहरण है, और इसी का दूसरा नाम है अजहत स्वार्थ वृत्ति, ठीक है। अर्थात अजहत, जहत का मतलब छोड़ना, और अजहत मतलब नहीं छोड़ना, अर्थात जिसमें स्वार्थ वृत्ति, जिसके अंदर अपने अर्थ को नहीं छोड़ा जाता है, उसको कहते हैं उपादान लक्षणा, उसी को कहा जाता है अजहत स्वार्था वृत्ति। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। लक्षण लक्षणा का दिया है, बोले परार्थ मात्र बोधे तु भवेत लक्षण लक्षणा, दूसरे को अपना दान दे देना, भाई दूसरे की सिद्धि के लिए अपने आप को भी अर्पित कर देना, ये क्या है लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। और एक उदाहरण इसमें बड़ा प्रसिद्ध मिलता है, उपकृतम बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रतिता भवता परम, ठीक है कि अरे आपकी क्या बढ़ाई करें, आपके कारण तो ये हो गया वो हो गया, और सब उल्टा उल्टा अर्थ निकलता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, भाई दूसरे के अर्थ को सिद्ध करने के लिए अपना अर्थ भी उसको क्या कर दिया, दान दे दिया, इसी का नाम क्या है जहत स्वार्था वृत्ति, अर्थात जहत मतलब छोड़ना, जहाँ पर अपने अर्थ को भी दूसरे के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको कहा जाता है लक्षण लक्षण। स्पष्ट है, चलिए। तो ये लक्षणा हो गया, लास्ट शब्द शक्ति रह जाती है व्यंजना।
उसको भी देखते हैं फटाफट। देखो व्यंजना में आचार्य विश्वनाथ का उन्होंने लक्षण स्वीकार किया है, ठीक है, व्यंजना में आचार्य विश्वनाथ का लक्षण स्वीकार किया है। और व्यंजना कब होती है, बोले विरतास्य विधाद्यासु यया अर्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थाधिकस्य च। विरतासु अविधाद्यासु, जहाँ पर अविधा लक्षणा तात्पर्यार्थ आदि जो वृत्तियाँ हैं उनके विरतासु अर्थात उनका जब व्यापार जो है वो खत्म हो जाता है, जहाँ पर अविधा खत्म हो जाती है, जहाँ पर लक्षणा शुरू खत्म हो जाती है, जहाँ पर तात्पर्यार्थ खत्म हो जाता है, बोले वहीं पर तेरे भाई की एंट्री होती है, उसका नाम क्या है, व्यंजना शक्ति। ठीक है, जहाँ पर अविधा लक्षणा और तात्पर्यार्थ तीनों समाप्त हो जाएँ वहाँ से शुरुआत किसकी होती है, व्यंजना की होती है। ठीक है, बोले यया अर्थो बोध्यते परा, जिसके द्वारा दूसरा एक अर्थ ही निकल के आता है, एक अलग प्रकार का अर्थ निकल के आता है, सा वृत्तिर व्यंजना नामा, उस वृत्ति को क्या कहते हैं, व्यंजना कहते हैं। तो पहली पंक्ति याद रख लेना, ठीक है, उठा के पंक्ति दे देगा, वृतासु विधाद्यासु यया अर्थो बोध्यते परा सा का यया कया, किसके द्वारा, तो आपको लिखना पड़ेगा व्यंजनया, व्यंजना के द्वारा। ठीक है, तो विरतासु अभिधाद्यासु यया अर्थो बोध्यते परा, इसके द्वारा दूसरे अर्थ का बोधन होता है वह वृत्ति व्यंजना कहलाती है। और व्यंजना जो शक्ति है वो दो प्रकार की होती है, शब्दस्यार्थस्याधिकस्य च, एक शाब्दी व्यंजना और एक आर्थी व्यंजना। तो भाई एक शब्द होता है एक अर्थ होता है, ठीक है, एक शब्द होता है एक अर्थ होता है। तो व्यंजना जो व्यंजना शब्द के आधार पर होगी वो क्या कहलाएगी, शाब्दी व्यंजना, जो अर्थ के आधार पर होगी वो क्या कहलाएगी, आर्थी व्यंजना। ठीक है, इतना ही समझ रहा है, बड़ा सामान्य सी चीज़ है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। भाई व्यंजना होती है दो प्रकार की, एक शाब्दी होती है एक आर्थी होती है। ठीक है, जो शब्द के आधार बनाकर चलती वो शाब्दी, जो अर्थ को आधार बना के चलती वो आर्थी। ठीक है, अब हमें इसमें और गहराई में नहीं जाना है, बस व्यंजना से इतना ही पढ़ना है, इतने से हमारा प्रश्न फंस जाएगा जितना फंसेगा। और फिर भी अगर कुछ बात रह जाती है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, देखो शब्द जो है वो दो प्रकार से चलते हैं, एक अविधा मूलक होते हैं और एक लक्षणा मूलक होते हैं। भाई शब्द भी तो अविधा मूलक होता है, गऊ का अर्थ सीधा गऊ है, अविधा मूलक है। गऊ का अर्थ मैं बिल्कुल तुम बिल्कुल गाय हो, मतलब लक्षणा मूलक है। ठीक है, तो बोले शाब्दी जो व्यंजना है वो दो प्रकार से चलती है, एक अविधा मूला होती है एक लक्षणा मूला होती है। ठीक है भाई, एक अविधा मूला होती है शाब्दी व्यंजना और एक लक्षणा मूला होती है। आर्थी व्यंजना की बात करें तो वक्तृबोधव्य वाक्यानाम काकु चेष्टाधिकस्य च, एक श्लोक है आर्थी व्यंजना का, वक्ता के आधार पर, बोधव्य के आधार पर, वाक्य के आधार पर, काकु के आधार पर, चेष्टा के आधार पर आर्थी व्यंजना जो है वो अनेक प्रकार की हो जाती है। तो शाब्दी व्यंजना कितने प्रकार की होती है, केवल दो प्रकार की। व्यंजना कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। उसमें से जो शाब्दी व्यंजना है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, अविधा मूला और व्यंजना मूला। आर्थी व्यंजना जो कितने प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की। किन किन आधारों पर होती है, वक्ता के आधार पर, बोधव्य के आधार पर, वाक्य के आधार पर, काकु के आधार पर, चेष्टा के आधार पर। ठीक है, तो ये जो हमारा काव्य दीपिका का जो चैप्टर है, जितना भी काव्य दीपिका का पाठ्यक्रम लगा हुआ था बिहार टेट के अंदर, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो चाहे वो सेकंड पेपर का हो, और याद रखिएगा बिहार का जो आगे टीजीटी पीजीटी होगा उसमें भी जितना लगा है वो हमने पूरा का पूरा कर लिया है। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, एक बार पढ़िएगा, दो बार पढ़िएगा, और इससे प्रश्नोत्तर जो बनते हैं वो आप कर लेंगे बहुत आराम से। तो इसको इतना ही रखते हैं, सभी को नमः संस्कृताय।